प्रभारियों की बैठक में भाजपा ने कहा लोकसभा में रिकॉर्ड रहेगा बरकरार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप और प्रदेश प्रभारियों की बैठक का आयोजन एकात्म परिसर में किया गया। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए हैं, जो चुनाव के उद्देश्य से लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को बताएंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं का भी मार्गदर्शन करेंगे। चुनाव के सभी कार्यक्रम इन्हीं के मार्गदर्शन से किए जाएंगे। लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रक्रिया चल रही है, उस लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से ये तय करना है कि उसके संचालन की दृष्टि से एक संचालक और एक स्थानीय स्तर में उस लोकसभा का एक प्रतिनिधि, ऐसे दो दो नाम का केंद्रीय स्तर में निर्देश है कि एक संचालक, दो संचालक नियुक्त करना है। तो अलग अलग लोकसभा की दृष्टि से उनके नामों पे चर्चा होगी और अलग अलग लोकसभा के संबंध में और जो जवाबदारी देना है उसके संबंध में होगी, और लगातार जो बैठकों का क्रम चलेगा उस बैठकों के लिए सभी 29 जिलों में प्रतिनिधि जाएंगे और वहाँ के स्थानीय स्तर पे जो पिछला चुनाव हुआ है उसके संबंध में और आगामी लोकसभा के दृष्टि से क्या योजना बन सकती है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन में जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा योजनाएं बताई गई हैं उन पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में एक बात सामने निकल कर आई और वो है कांग्रेस का घोषणा पत्र। इसके अलावा उनके कार्यकर्ताओं ने काफी दमखम से काम किया। अब हम जिले स्तर पर भी जाएंगे और समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी, साथ ही स्थानीय स्तर तक बैठक भी की जाएगी जिसमें कार्य योजना भी बनाई गई है, कुछ कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। उस कार्यक्रम के लिए अलग अलग प्रभारी की नियुक्ति भी करेंगे, साथ ही उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन नीचे जिला और मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक उसका हो, इसके लिए आज की बैठक में उसके विस्तार से चर्चा होगी। हम सबको मालूम है कि आने वाले आसन्न लोकसभा चुनाव हमारे नज़दीक हैं और उस चुनाव को लेकर के भी इसमें हम बातचीत करेंगे। आज इसीलिए पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 10 पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं कांग्रेस केवल एक सीट में ही काबिज है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भले ही विधानसभा में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, लेकिन लोकसभा में वे अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे। For more information, log on to www.clips.in.